जयश्री मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास टाटा एलेक्सी है, 15 शेयर्स 8000 के प्राइस के, तो क्या करें? मैं होल्ड कर सकती हूँ और 6 महीने 1 साल होल्ड कर सकती हूँ? करना चाहिए नहीं करना चाहिए सतपुते साहब, क्योंकि नतीजे भी ठंडे पड़ गए इस बार वाले? आशीष जी, ये पूरा पैक ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि फिलहाल तो यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, थोड़ी बहुत धुलाई हो रही है। यस, इतने वीक हैंड से वो तो निकल ही रहे, तो फिलहाल तो मैं एक आप बने रहे, 7000 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट वीकली चार्ट पे भी दिखता है, तो अगर इस लेवल के आसपास कहीं सेटल होता है तो यहाँ से आपको फिर से एक रैली मिलेगी और ये बड़ा काउंटर है, चलने में अच्छा चलेगा, 8-8.5 हज़ार तो ऐसे ही चला जाएगा। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा 7000 के ऊपर है, आप होल्ड रखें। होल्ड करिए। योगिनी मैम, अगला सवाल। सर इरेडा के 220 शेयर्स है एट द रेट 188, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ सर? हाँ, भाव के पास आ रहा है धीरे धीरे करके स्टॉक, सतपुते साहब होल्ड कर लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? यस आशीष जी, इनफैक्ट कल इसमें एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है 178-180 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बेस है। सामने इसका जो टारगेट है वो 200 से लेकर 210 का होगा, तो फॉर द टाइमिंग मैं तो यही कहूंगा आप इसमें बने रहे, स्टॉप लॉस होगा 170 का। ओके सतपुते साहब, क्विकली SBS की कोई बढ़िया सी स्टॉक पिक्स दे दीजिए। आशीष जी, मुझे लगता है फिलहाल तो जो नजर रखनी है वो है PFC एंड REC। अगर आप PFC पे नजर रखें तो क्या मोमेंटम आया है, 539 है, मुझे लगता है ये और चलेगा, 565-570 इसका टारगेट है, सो PFC इज अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 430 का। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बढ़िया मूव्स आ रहे हैं, रडार पे रखिए, ये खरीदारी करने का कॉल सतपुते साहब की तरफ से। जैनी मैम, जयश्री मैम, योगिनी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सतपुते साहब, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। आपका स्वागत है। नीचे न्यूजेन सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स इस समय फ्लैश होते हुए आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी 0.5% मजबूत, ब्रॉडर मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं, मिड कैप्स 2/3% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता है और ब्रेथ पॉजिटिव है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 4:3 का रेशियो कह लीजिए एडवांसेस के फेवर में। थोड़ा ठंडा पड़ा है लेकिन अभी भी एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ है। आज ध्यान रखिएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी, और कल एक मार्केट हॉलिडे, इंटरेस्टिंग सेशन होगा सेकेंड हाफ का। लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप्स पे एक डिटेल्ड कवरेज मिड कैप मंथ में। आज के शो सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही, अपनी मुलाकात अब थर्सडे को। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।